यस प्यारे बच्चों, कमल, पंकज, कमल उसको पंकज बोला जाता है, राजीव बोला जाता है, राजीव, फिर सरोज, ठीक है। नेक्स्ट आप देखिए पानी, पानी का जल, पानी को हम जल भी बोलते हैं, नीर भी बोलते हैं, ठीक है। और सलील भी दे रखा है, जल, नीर और सलील। उसके बाद आप देखिए बादल, बादल को बेटा मेघ, घन, मेघ, मेघ, घन, मेघ। उसके बाद ज्वलंत, उसके बाद देखिए ईश्वर, भगवान बोलते हैं ना आप, ईश्वर, ईश्वर को हम भगवान भी बोलते हैं, भगवान, ईश्वर, भगवान, प्रमेय, प्रभु, प्रभु, परमेश्वर, ईश्वर, भगवान, प्रभु, परमेश्वर। ठीक है बेटा। अब आप देखो पवन, पवन, वायु, वायु, पवन, वायु, हवा, समीर, पवन, वायु, हवा, समीर, ठीक है। पर्यायवाची शब्द क्या होते हैं? जो शब्दों को अलग नामों से बोला जाता है लेकिन उनका अर्थ क्या होता है? सेम होता है। उच्चारण करें एक बार। आकाश को हम नव, आसमान, गगन भी कह सकते हैं लेकिन अर्थ इनका क्या? आकाश ही रहेगा। आग, अग्नि, पावक, अनल, आदमी, मनुष्य, मानव, व्यक्ति। बाग, वाटिका, बगीचा, उद्यान। कमल, पंकज, राजीव, सरोज। पानी, जल, नीर, सलील। और ये बादल, घन, मेघ, जलत। ईश्वर, भगवान, प्रभु, परमेश्वर, पवन, वायु, हवा, समीर। ये आपको मैंने कितने लिखवाए हैं? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9। इतने ही काफी हैं। अच्छे से आप इन्हें याद करें, अभ्यास करें। व्याकरण की कॉपी में आपको इस वर्क को करना है। हैंडराइटिंग का आप बहुत अच्छे से ध्यान रखें। थैंक यू बेटा।